हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरी जो बड़ी बेटी है ना, उसे चटपटा खाना बहुत पसंद आता है। तो वो आज मुझसे फरमाइश की कि मम्मा आज सैंडविच बनाओ, वो भी थोड़ी सी अलग तरीके से। तो मैंने भी उसकी फरमाइश पे सैंडविच बनाना शुरू कर दिया। तो सोचा कि क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। और इस सैंडविच को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा ब्रेड और बॉयल आलू। तो चार बॉयल आलू में 4 से 5 सैंडविच बनकर रेडी होगी। सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाल देंगे, साथ में खड़ा जीरा और खड़ी राई डाल देंगे। 1 से 2 बार चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे मैं थोड़े से प्याज, थोड़े से शिमला मिर्च और टमाटर को बिल्कुल बारीक काट के डाल रही हूँ। आप यहाँ पे गाजर, बीन्स और भी मतलब जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बारीक काट के। और साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, ज़रा सा हल्दी पाउडर और ज़रा सा लाल मिर्च पाउडर। और इस सैंडविच को जो सबसे ज़्यादा टेस्टी बनाएगा ना, वो है हमारा सेजवान चटनी। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच सेजवान चटनी डाल देंगे। अगर आपके पास ना हो तो आप रेड चिली जो सॉस आता है वो, या फिर टोमेटो केचप, या फिर आप इसमें डाल सकते हैं जो पास्ता पे हम डालते हैं ना सॉस, उसे भी। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को डालने के बाद 2 मिनट तक हम मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं, इसे हम इसमें तोड़ करके डाल देंगे। और हाई फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब तक कि मसाले और आलू अच्छे से चट्टे बट्टे ना हो जाएं। तो यहाँ पे सैंडविच वाली स्टफिंग रेडी हो गई है। तो सबसे पहले इसे फिल करेंगे हम। यहाँ पे 4 ब्रेड मैंने लिया है, ये आटा ब्रेड है। इसके ऊपर कुछ इस तरीके से हम स्टफिंग को लगा देंगे। इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप छोटी मोटी भूख मिटाना होना तो उसके लिए भी ये बेस्ट रेसिपी है। तो एक एक करके चारों ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। वैसे अगर आप बच्चों के लंच बॉक्स में देना चाहें तो ये स्टफिंग को रात में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब बना के रख सकते हैं, तो सुबह में उन्हें लंच बॉक्स में देने में आसानी होगा। यहाँ पे पैन ले लेंगे, बिल्कुल जरा सा घी लगा के पैन को चिकना कर देंगे। और यहाँ पे वाइट तिल मैंने लिया है। तिल को हम आलू की साइड से, ये देखिए, कुछ इस तरीके से इस पर चिपका देंगे। तो यहाँ पे तिल भी लग गया। अब हम इसे पैन पे डाल देते हैं और हाई फ्लेम पे ही दोनों साइड से अलट पलट के पकाएंगे। तो 4 सैंडविच मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। तो 2 को मैं एयर फ्रायर करूँगी और 2 को तवे पर बनाऊँगी, क्योंकि एयर फ्रायर थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है, उसमें बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 को एयर फ्रायर में डाल दिया और 2 को तवे पे बना रही हूँ, क्योंकि एयर फ्रायर वगैरह सबके पास अवेलेबल नहीं होता है। तो आप इस तरीके से तवे पे भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये सैंडविच हमारा बन करके रेडी है। अभी मैं आपको काट के इसे दिखाती हूँ और इसके आवाज़ से आप देखिएगा कि ये कितना कुड़कुड़ा बना है। तो इस तरीके से रेसिपी बना के आप बच्चों की फरमाइश को पूरा कर सकते हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइफ में खाइए, पीजिए, मजे कीजिए।